नमस्ते जी, मेरा नाम भूपेंद्र अहलावत है। मैं इस वीडियो के माध्यम से हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी और नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से अपील करता हूं कि एक मुद्दे को तुरंत संज्ञान में लें। 15 सितंबर 2023 को हरियाणा के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने अपनी वेबसाइट में कुछ बदलाव किए और उसके बाद ड्राइविंग ट्रेनिंग सर्टिफिकेट फार्म 5 जो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में फार्म 5 के द्वारा परिभाषित किया गया है अपनी वेबसाइट पे उसको अपलोड करने की व्यवस्था कर दी। हमारी संस्था से जुड़े हुए जो एडवोकेट हैं, कानून के दूसरे जानकार हैं, उन्होंने इस मुद्दे को गहराई से स्टडी किया और उसके बाद ये मालूम हमें चला कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का कोई भी प्रावधान, कोई भी नियम, उपनियम इस चीज को अनिवार्य नहीं बनाता कि बच्चे को फार्म 5 जमा करवाना अनिवार्य है। लेकिन फिर भी ये तकनीकी गलती हरियाणा सरकार के ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा हुई। इस संबंध में हमने कई सारे एसडीएम से बात करी जो कि बिल्कुल एक तरीके से एडामेंट हैं, ना समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी वेबसाइट जब का निर्माण हम करते हैं, सरकार जब करती है तो वो एक्ट के आधार पर करती है। वेबसाइट के आधार पर कभी भी एक्ट परिभाषित नहीं किया जाता, बल्कि एक्ट के आधार पर वेबसाइट परिभाषित की जाती है। हमने एसडीएम और दूसरे अफसरों से गुजारिश की है कि या तो हमें मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में वो प्रावधान दिखाइए जो फार्म 5 को अनिवार्य बनाता हो, या केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा कोई जारी कोई संशोधन दिखाइए या कोई अध्यादेश दिखाइए। लेकिन वो कोई भी कागज पत्र दिखाने में पूरी तरह से नाकामयाब हैं। 15 सितंबर से लेकर आज 28 सितंबर हो गई, लगभग 2 सप्ताह हो गए। जो लाइसेंस बनवाने के इच्छुक बच्चे हैं वो दर दर ठोकरे खा रहे हैं और उनकी कहीं पे कोई सुनवाई नहीं हो रही। इस वीडियो के माध्यम से मैं अपील करता हूं कि सरकार इस मामले को तुरंत संज्ञान में ले और उचित कार्रवाई तुरंत की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम भूपेंद्र अहलावत है। धन्यवाद।